हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल सुप्रिया ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास टॉपिक पे नहीं, बल्कि ऐसे ही। दोस्तों, हम दो दिन से ब्लॉग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ब्लॉगिंग करने का हालत में ही नहीं थे हम, बस इसीलिए दोस्तों आज भी ब्लॉग करने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी सोचे कि नहीं आज कुछ कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेते हैं, इसीलिए ब्लॉग करने आ गए हम। तो दोस्तों, आप लोगों से कुछ बातें करनी थी। ब्लॉग बनाने के समय वो कुछ उतना समझ नहीं आता है, हमने आज क्या ब्लॉग बनाया, कल क्या चीज़ का ब्लॉग बनाया, ने उसके नेक्स्ट दिन क्या चीज़ का ब्लॉग बनाया। सो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मदद कीजिए, आप लोग हमको बताइए कैसा ब्लॉग बनाए, कैसे ब्लॉग बनाए जो अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे, मतलब प्लीज़ कमेंट में बताइएगा दोस्तों आप लोग को कैसा ब्लॉग चाहिए और हम कैसा ब्लॉग बनाएँ। ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। और एक सेकेंड, तो अभी दोस्तों शाम का बज रहा है 3 और हम अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सो के उठ चुके हैं, हम और मेरी बेटी। तो वो बाबू को तो मम्मी छत पे लेके गई हैं और मुझे ऊपर ही बुला रही हैं आने के लिए, तो हम भी अब ऊपर ही जा रहे हैं उसके पास उसका दूध लेने। क्या चीज़ के लिए आए थे नीचे? सो हम जा रहे ऊपर, वीडियो में रही हम आप लोगों को दिखाते हैं अपनी बेटी को। दोस्तों, हम आप लोगों को एक चीज़ दिखाने जा रहे हैं जो अभी खाने जा रहे हैं, सोचे सबसे पहले आपको थोड़ा दिखा दें आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, ये इसका मिठाई, ये ऐसा मिठाई कौन कौन खाया है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, इसका खासियत ये है ना कि ये यहाँ का ना, जैसे मेरे ससुराल है ना, वहाँ का फेमस मिठाई है ये, यहाँ के मार्केट का ही फेमस है। और सुनते हैं सब कोई कहता है ना कि यहाँ का अलावा ये मिठाई कहीं नहीं मिलता है, जब मिलेगा तो यहीं के मार्केट में मिलेगा। और हम लोग का गाँव का है ताजपुर, ताजपुर इकमा ताजपुर, आप लोग नाम सुने ही होंगे। बस इसके अलावा और कहीं नहीं मिलता है ये मिठाई, कहीं भी नहीं, हम लोग के यहाँ भी नहीं मिलता है, छपरा इधर वो उधर भी नहीं मिलता है। इसका नाम है भाई जी का एटम बम, मतलब खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, हमको तो बहुत पसंद है, इसीलिए सोचे कि आप लोग से शेयर कर दूँ। और ख़ास कर पापा मेरे लिए ही लेकर आते हैं। देखिए दोस्तों, आधा दो आधा खा गए, आधा बचा, सोचे कि आप लोग को पहले दिखाते हैं अगर कौन कौन खाया है और किस किस को इसका नाम पता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, हम भूजा ले लिए हैं, अब हम भी जाएंगे सबसे ऊपर। यहाँ मेरी बिटिया रानी और मेरी सासू माँ हैं, तेल भी ले रहे हैं उसको लगाने के लिए, क्योंकि ऊपर धूप है ना, धूप में अच्छे से लग जाता है थोड़ा। चलिए आप लोग को दिखाते हैं ऊपर ऊपर का नज़ारा, और वीडियो बने रही दिखा रहे। देखिए दोस्तों, का करो था दोस्तों, ऊपर का नज़ारा है, क्या करता देखिए दोस्तों, मेरी बेटी का बदमाशी देखिए, क्या करता कुछ जा। देखिए दोस्तों, इसका बदमाशी देखिए, इसका पैर देखिए, मस्ती है जा।
देखिए तो हमारा ऊपर का नजारा, छत का सबसे ऊपर। थोड़ा थोड़ा धूप है, थोड़ा थोड़ा नहीं है। और देखिए इसको, हट हट, खाओगी? नहीं खाना है बेटा, नहीं खाना है बेटा, नहीं खाना है। नहीं 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 किस किस को भूंजा खाना है? कमेंट करके बताइएगा लोग, और मेरी बेटी को मस्ती कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा लोग। देखिए बोलो बेटी, हेलो बोलो, बोलो हेलो। बोल रही है हेलो। अरे दोस्तों, तो हम लोग ऊपर से आके मस्ती करके, हम लोग नहीं सिर्फ मैं, और इतना सारा कपड़ा धोए हैं आज, देख सकते हैं सबको फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम नीचे चलते हैं, थोड़ा बहुत बर्तन है उसको धो लेते हैं, चाय बनाते हैं, उसके बाद कपड़ा फोल्ड करते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों देखिए इतना बर्तन है, बस इतना ही धो के फिर आप लोगों से बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों मेरा पीछे का नज़ारा, आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम बस 5 मिनट में बर्तन धो के आप लोगों से बात करते हैं। फाइनली दोस्तों मेरा काम हो गया, हम बर्तन वर्तन सब धो लिए। दोस्तों बर्तन धो, इतना पेट में दर्द होने लगा है ना, इतना पेट में दर्द हो रहा है ना कि हम क्या बताएं आपको, बहुत ज़्यादा। फिर हम बर्तन धो के यहाँ पे आ गए हैं चाय बनाने। दोस्तों मैं चाय बन रहा है, दोस्तों ये चूल्हा जो खराब हुआ था ना बन गया, मार्केट गया था तो पता नहीं कुछ हो गया था तो बन गया। कल ही आया बन के, और मेरे सास में इसे वार्निंग दे के रखी है, इस बार खराब नहीं होना चाहिए। और दोस्तों एक बात बताएं, मेरे अंदर क्या खूबी है, जो इंसान जो काम करने से मना करता है ना, हम ना चाहते हुए भी हमसे वही काम होता है, पता नहीं क्यों। हम नहीं चाहते हम वो गलती करें, वो काम करें, लेकिन फिर भी ना चाह के भी हो जाता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट बताए कि ऐसा क्यों होता है। आप चाय, आप लोग वीडियो बने रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों हम लोग चाय मिक्सर खा रहे हैं, पी रहे हैं, उधर देखिए वो कितना बदमाशी कर रही है, नहीं दिख रहा होगा, धूप है, अभी छत पे आए हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, तो हम लोग नाश्ता पानी चाय पाए सब कर लिए, अब आ गए हम आटा गूंदने। एक चीज़ दिखाना है आप लोगों को। देखिए आज मेरे दुकान में एक नया वैरायटी आया है, कुरकुरे के ऊपर से खिलौना है, बच्चा सबके लिए बहुत अच्छा है ना। जो बच्चा आएगा क्या चाहिए तुमको, ये वाला देखते कि ये वाला ऐसे चाहिए। हेलो दोस्तों, तो फाइनली सारा काम हो गया, हम लोग खाना वाना सब खा लिए, अब सोने आ गए। अब देखिए मेरी बेटी रानी भी सो गई है, अब हम भी सोएंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कोई न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।